I'm going to stay with Gurudev actually. 42, 40, 40 number. If you don't get, those people came back, you know. No, I'm just, yeah. I told Brinda, I mean, there are people out there. Why you want to put me there? So she just wanted to, like, you know, wash her hands off. Exactly. You know, so. So I said, you know, give me a groom. Which, I mean, there should not go not more than three people in a room anyway. So it doesn't make sense. The restroom, we're gonna fight with another swimmer. I told you that in the morning. What? I'll tell you later. These people stop also as if they own everything, you know. Who? Whoever, the management people. Management is belonging to Gurudev, not to any one of them. They hold them back. And we came much before these people. They all came after. I'm from 83 with Gurudev. एक परिक्रमा लगा ले
बैठो बैठ ले इधर आ जाओ वहाँ जाना है मेरे फेसबुक पे वाले महाराज भी धमाल प्रभु हाँ कहाँ पे वो कहीं और जा रहे हैं अक्रॉस तो गंगा है भाई
কোথায় যাচ্ছি? Goal, Hari Ball! Hari Ball! Hari Ball! Hari Ball! Hari Ball! Hari 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 Hari बढ़िया। ये किनका मट? जय कामंजुलश्री मुझे काम करने चतुर्थम श्री को जाना स्वयं ये बात क्यों बोला भगवान ब्रह्मचारी था तो बाद में मुझको जाके बोला कि महाराज हम लोग तो हताश हो गया था, अगर आप ना बोलते हताश हो गया था। तो बात होता है कविराज गुस्से में झूठ बोला, पूरी शेर की जो मुई से पापिष्ट जोगाई माधाई हुई थे, पूरी शेर की जो मुई से लोभिष्ट जोगाई माधाई हुई थे मुई से पापिष्ट। तो उन्होंने जोगाई माधाई से पापिष्ट है, मोर नाम जेई लो तार पाप है, तो उनका नाम लेना पाप होगा। मोर नाम जेई सुने तार पुण्यक्षय, जो हमारा नाम सुनेगा उनका पुण्यक्षय हो जाएगा, तो उनका नाम नहीं सुनना। ऐसा नहीं तो क्यों? उन्होंने झूठ बोला। वो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देकर मतलब होता है, जो श्रेष्ठ संग होता है तो दिनोता सवाल दिनोता है रूप रघुनाथ पदे। हाँ, यार रूप गुस्से भी क्या बोला? आधारित्व पराधानम अविवेको हतत्वम तत्कारुण्य प्रतीक्षस्मि प्रसीदो मई माधव भक्ति रुदन चति यद्यपि माधव। वो तो और एक बात, भक्ति रुदन चति यद्यपि माधव न तो ही ममोति लो मात्रे है इदमि इच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि बाद हो तो भी। तो बोलता है हमारा भक्ति का तिल का परिमाण भी नहीं है, और उनका कृपा मांगते है क्यों जो भक्ति से मिलता है? तो बोलता है इसीलिए मांगता हूँ जो आपका जो शक्ति ये अघटन को घटन कर देती है। इसीलिए कविराज गोस्वामी क्या बोला? आपने अयोग्य जानी मन है खूब, तथापि तुम्हार गुणे उपजय लोग। मैं अयोग्य हूँ इसलिए मैं खुबित हूँ, लेकिन तब भी आपका महिमा से मेरा लालस होता है ना, उत्सव नहीं लालस होता है। किसी लालो से बाजार में गया वस्तु खरीदने के लिए, पैसा जेब में नहीं है, मिल जाएगा? हाँ मिलेगा। किस लिए? उनका महिमा से। कोई कोई व्यक्ति होता है तो किसी का पास पैसा नहीं है उसका ऐसे ही दे देते।
बुला के दे देते हैं, जब ये किया शायद उसका ये नहीं है। मैंने एक दफा त्रिपुरा में एक कठार को भाव पूछा शुद्ध जानकारी करने के लिए, क्योंकि वहाँ जंगल में गया था, हजारों पेड़ है कठार का, कोई मालिक नहीं है जंगल में, जो मर्जी लाओ का, लेकिन बाहर ले जाओगे 10 पैसा टैक्स बैठा देगा, गवर्नमेंट सील दे देगा, बाहर नहीं ले सकते। मैंने वहाँ पूछा, मैंने सोचा कि 10 पैसा टैक्स दे के यहाँ आता है, कितना में बिकता है, तो बोला 50 पैसे, 40 नफा हुआ। तो मैं बोल के चला आया, उसने क्या समझा ये ठोकीर आदमी है, इनके पास शायद पैसा नहीं, वो उसको जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा दिया। तो मैं नहीं था वहाँ, दया नहीं दी था, तो उसके पास वो दे के गया, वो समझा मैंने भेजा, वो वहाँ पहुँचा दिया, मैंने पैसा दिया, हमारा पैसा था ना था लाख बार दिया तो नहीं। तो एक आदमी भी समझा जो फकीर भी से शायद पैसा ना हो, इसलिए वो भी दे के गया। और एक भगवान नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी हमारा तिल का परिमाण भक्ति भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं आशा रखता हूँ आपका महिमा से, अपना योग्यता से आशा नहीं। ऐसी हमारे जब भी विश्राम ठीक है समय से सबसे बड़ी जबरदस्त सॉलिड महाराज। धन्यवाद दीदी, कैसे देखो क्या नाम धन भक्ति दैत माधव महाराज, बहुत जबरदस्त उन्होंने पंजाब में मायावाद को ध्वंस कर दिया। हाँ, पंजाब जम्मू जितना पूरा एरिया जो है प्रचार में तो ही हिमाचल में तपस्या करने के आकाशवाणी में इनके मुकाबले का कोई प्रचारक है नहीं हमारे उसमें, मतलब जो प्रभुपद की सिद्धांत प्रभुपद के जो जितने एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जो जितने भी डिसाइपल्स थे इनके जैसा प्रचारक एक अपने परम गुरुदेव और किए एक बार और चाहिए आपको। अच्छा मैं गिन लेता हूँ। पुणे में आपका स्वास्थ्य खराब हो गया था। स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, पैर को खराब हुआ, ये था पहले वो बढ़ गया। अच्छा पुणे में से जो था उससे पुरी में जाकर और बढ़ गया। परिश्रम केवल मनेर भ्रम, मन का ध्यान है। किस लिए तीर्थ में जाना, मामूली व्यक्ति बोला नहीं, नरोत्तम ठाकुर ने बोला सब प्रसिद्धि गोविंद चरण ऐसा बोला। तो बात होता है और बोला गौर अमार जेसव स्थान करल भ्रमण रंगे शेषव स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भगत संगे, ये भी बोला। तो किसको मानोगे, प्रणयी भगत संगे, तो उसलिए प्रणयी भगत संग का जाने का मतलब क्या होता है उस परिक्रमा का महिमा बताएंगे, वो सुनने से फायदा। आंखों से क्या देखेगा, देखना होता है कान से, नहीं तो क्या फायदा होगा। नहीं तो गया कीर्तन किया बाहर में शब्द सुना, हाँ हाँ गया वो इतना गया वहां गया वहां गया वहां गया ऐसे ही हुआ, लेकिन दिन में क्या टच किया, ये तो बात सही है। इसीलिए कथा सुनने पड़ता है। और चाहिए नहीं ठीक है। तो
जब आप लोग देर हो जाता है पार्टी में पीछे पड़ जाओगे। कोई बात नहीं, गुरु जी ने वहाँ आना है ना, कहाँ पे? योगपीठ मंदिर। अभी तो कितने बजे पहुँचेंगे गुरु जी? बस अभी यहाँ 3 किलोमीटर। अच्छा, वापसी में आ जाए महाराज जी आपके पास 1 बजे? नहीं, उस समय तो विश्राम होगा। अच्छा, शाम को आ सकते हैं। खैर, मैं यहाँ पे अभी महाराज जी 5 तारीख तक हूँ आपके पास, मैं फिर से आ जाऊँ 2 तारीख को परिक्रमा के बाद? आ सकता है जी ना, 2 तारीख को शायद चला जाऊँ। कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? वो क्या नाम है, कृष्णनगर। अच्छा, कोई पक्का नहीं है, शायद चला जाओ, इसलिए तो नहीं भेज सकता। आप लोग नहीं आओगे गोपीनाथ गोड़ी मठ के उत्सव में? द्वादशी के थे। हाँ, मेरे को तो पहले पता नहीं था, अभी गोपीनाथ प्रभु ने बताया। हाँ, गोपीनाथ कल आया था मेरे पास। अच्छा, जाने के लिए बोला। मैंने बोला मैं आ जाऊंगा, बोला आपको बोल नहीं सकता, क्यों? आपको वहाँ असुस्थ देखा पुरी में। बोले बोल नहीं सकता, बोले मैं तो जाऊंगा जरूर, प्रसाद लेंगे नहीं लेंगे ये बात नहीं बोल सकता, ऐसा बोला। वैसे तो प्रेम में ही देख सकती है रिपोर्ट्स वगैरह, अगर महाराज जी दिखाना चाहें तो। महाराज जी का तो चलता है, अच्छा डॉक्टर है। अच्छा, महाराज जी अभी दवाई ले रहे हैं ना? कौन? आप? हाँ ले रहा हूँ, अभी तो चला गया 11:30 बजे इसको लेना। अच्छा, उसका बाद 12 बजे इसको एक लेना। शिरदापुर परिक्रमा गए? अभी तो यहीं पर थे। अभी तो यहीं पर थे, बोला नहीं, जाना तो भूल के जाएगा। हमारे मठ में जो परिक्रमा आई हुई है, हाँ, हजारों लोग, और कार्तिक में जो परिक्रमा होती है, तो ये दीदी और इनके पिताजी ये सब दवाइयाँ देते हैं। अच्छा, जो भी जिसको रोग है कुछ है। नहीं, हमारा पहले भी जो हम लोग परिक्रमा करते थे, होम्योपैथी डॉक्टर भी रखता था और एलोपैथी डॉक्टर भी रखते थे, साथ में चल गया। ऐसा कि ट्रेन में जब जाता था उस वक्त ही डॉक्टर साथ में, वहीं सलाइन वगैरह सब कुछ वहीं करते थे ट्रेन में, चलो तो ट्रेन में। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति प्राप्त तो इसी जीवन में कुछ हो जाए लाभ। भक्ति तो हो गई, भक्त संग करने से भक्ति होगा, भक्तों का संग कर रहा है, भक्ति तो हो गई, कौन रुकेगा? ये फरीदाबाद से आते हैं माता जी। फरीदाबाद में हमारा एक छोटा सा सेंटर है, इनके घर के 2 घर छोड़कर ही, तो इनकी माताजी पिताजी सब लोग बहुत सेवा करते हैं, और दीदी भी पहले विदेश में थी, अब तो वहीं पर ही इनका अपना क्लिनिक है। ये सब विदेश वगैरह छोड़ के आ गए हैं? ये सब विदेश छोड़ आए हैं, बहुत पढ़े हैं, बहुत सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया। वो इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ वृंदावन निकट है और भक्तों का संग। नहीं नहीं, फॉरेन में रुपया मिलेगा लेकिन चित्त शांति मिलेगा नहीं। सबसे ज्यादा खुदकशी कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में सुख से खुदकशी करता है, तब तो इतना धन है, दुखी क्यों? एक आदमी मेरा पास आया था वृंदावन में, अचानक थोड़ा बात हुआ, मैं मंदिर के सामने में बैठा था, वो भी बैठा, तो वो ऐसे तिलक भी लगाता है, माला भी जपता है, वो ऐसे ही यहाँ आया, बाजार से ले लिया और तिलक लगाना सीख लिया और ये जपने लगा। तो बातों बात में बहुत बात हुआ, मैं वहाँ जा कर के बोला मुझे खुदकशी करनी पड़ी। तो मैंने फोन में 1/2 घंटा बात हुआ, बाद में उसका समझ में आया वो खुदकशी वगैरह किया ना, पर क्या किसी ने इसके लिए घबराता है क्यों? तो देखो इतना पैसा कमाता है खुदकशी करने के लिए,
सुख नहीं मिलता है। अमेरिका गया कभी? मैं नहीं। वो हमारा एक दोस्त था, वो डायरेक्टर था पंजाब का, जॉइंट पंजाब का एग्रीकल्चर डायरेक्टर था, हंसराज सूद उसका नाम था। वो यहाँ का शानदार कोठी था, चंडीगढ़ में बेच के चला गया, क्योंकि दो लड़का ही रहता अमेरिका में। मैंने बोला सूद साहब जा रहा है, वहाँ रह सकोगे? बोले हमारा पुतनी का बड़ा रुचि है, दोनों लड़का वहाँ है, यहाँ कोई नहीं है, वहाँ जाके रह ही नहीं सका। किस लिए? घर में दरवाजा बंद करके रहा, इतना से सुरा किना उसमें देखना, जानकारी हो तो खुलना, नहीं तो नहीं खुलना। टट्टी वगैरह में भी पेट बिखा हुआ है, सब सूख है, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों मिलता है हर वक्त। महाराज जी बड़ी देर से बोल रहे हैं, आप शाम की छुट्टी पर आते हैं सुबह से? जीवन सार्थक हो ना? ना सब तो हो जाए। बोलता है एतावत् धर्म साफल्यम् देहिनाम् यमे, इस देहो में देह का जीवन सार्थक हो, किससे? प्राणोई, प्राण से, अर्थोई, अर्थ से, धिया बुद्धि से, वाचा भक्त से, सेवाचरण। सेवाचरण क्या होता है? हरिभक्ति आचरण। इसी में हरिभक्ति करो तब सफल हो, प्राण से, अर्थ से, बुद्धि से, वाक्य से, एक से होगा नहीं, सबको लगाने पड़ेगा। जैसे हमारा पांच इंद्रिय है, कान शब्द का तरफ जाता है, नाक गंध का तरफ, आंखों रूप का तरफ, जीवा रस का तरफ, त्वचा स्पर्श का तरफ, ये पांचों चीज भगवान में है। तो ये पांचों चीज से भगवान का आमदनी करो तब तो भगवान। आंखों में भगवान का मूर्ति भक्तो दर्शन, नासा से भगवान में उर्पी तो तुलसी चंदन का ग्राम, कान से भगवान की कथा, जीवा से भगवान की प्रसाद, त्वचा से भगवान भक्त भगवान को मंदिर को सेवा, तभी जाएगा। ऐसे सबको लगाओ इंद्रियों को, तभी जाएगा। कोई भी इंद्र को छोड़ना नहीं, भगवान को सेवा से, तो सेवा में लगाओ तो सब ठीक हो। किनका समाधि? किनका समाधि मंदिर? हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं? किनका समाधि मंदिर? गुरु जी का। नाम? भक्ति जी का। हाँ जी, बोले। नहीं बंगला नहीं आता। क्या नाम? क्या? भक्ति श्री 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 भक्ति श्री दंडवत प्रश्न। मैंने उनसे बोला कि आप ऐसी कृपा करो जिससे कि मेरा जीवन सार सको। उन्होंने कहा जरूर होगा। मेरे को बोला कि तुम भक्त का संग तो कर रहे हो ना, क्यों नहीं होगा, है ना? इसी से होता है। ठीक है ना?
भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज समाधि। जय Thank you.
Microphone that you have. I think maybe you did. You found us something out. Thank you for that. It was really good. It was really inspiring. So, amazing. Amazing.
কিরকম তাদের মনে হচ্ছিল পিঠ হাত হয়ে গেছেন।